नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन मैन। फूड जो है वो या गैसेस हमारे ब्लड के अंदर आ जाती हैं, तो ब्लड उसको सेल टू सेल डिलीवर करता है। जो मेन डिस्कशन हमारी यहाँ पर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ये मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस वजह से है क्योंकि ये बाकी तमाम सिस्टम के साथ लिंक करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी लिंक करता है क्योंकि वहां से फूड अब्सॉर्ब होती है ब्लड के अंदर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी लिंक कर रहा है क्योंकि वहां से गैसेस ब्लड में आ जाती हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ भी लिंक करता है क्योंकि वेस्ट वहां से रिमूव होती है, ब्लड को जो वो साफ होता है। तो ये तमाम के तमाम जो सिस्टम है उनके साथ लिंक कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। अब इसी के साथ एक और सिस्टम भी काम करता है जो कि हमें यहीं पर इस लिंक डिस्कस करना है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये भी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। इसको एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके तीन कंपोनेंट है। कंपोनेंट में एक कंपोनेंट जो है वो ब्लड है जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। दूसरा जो है इसके अंदर हार्ट है जो कि एक पंपिंग डिवाइस है जिसने पंप करना है। तीसरा यहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ से सवाल भी आ सकते हैं, ब्लड वेसल्स में आप जानते हैं कि आर्टरीज हैं, फिर कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। तो ये तीन मेन कंपोनेंट जो है यहाँ पर आपने डिस्कस करने हैं। तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं, ब्लड में से सवाल किस तरह के आ सकते हैं। कुछ तो चीज़ें इसमें लर्निंग बेस्ड हैं, ज़्यादातर लर्निंग बेस्ड हैं कि आपको सिंपली याद रखनी है। ये एक फ्लूइड है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, और फर्दर ये हॉर्मोन्स को गैसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करता है। अगर इसकी हम वेट की बात करें ब्लड के, दैट इज द 1/12 ऑफ बॉडी, बॉडी का 1/12 होता है। इसकी पीएच 7.4 है और इसमें दो चीज़ें होती हैं जिससे ये बना होता है ब्लड। एक इसमें प्लाज्मा है जो कि टोटल ब्लड का 55% होता है, प्लस इसमें ब्लड सेल्स हैं जो कि टोटल ब्लड का 45% होते हैं। तो ये दो मेन कंपोनेंट इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ सवाल ये है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा में अगर हम 55% में देखें तो इसमें 90% तक तो वाटर होता है, सबसे ज़्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें, और 10% जो होते हैं वो अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेज जो है वो प्रेजेंट। इसका मतलब है कि ग्राउंड जो है वो वाटर है लेकिन उसके अलावा उसमें अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेज भी प्रेजेंट होते हैं। अब इन अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेज में अगर हम देखें तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो सबसे ज्यादा है। प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 9% इसके अंदर होती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन में ज्यादातर वो प्रोटीन होती हैं दैट आर सेंथेसाइज इन लिवर और वहां से सेंथेसाइज होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, नाम आपने इसमें याद रखने हैं। जैसा कि एक एल्ब्यूमिन है जो कि मेन ऑस्मोटिक प्रोटीन भी है, ये कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है उसके अंदर इसका तकरीबन जो है वो 75% रोल होता है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर में। दूसरा इसके अंदर जो है वो ग्लोबुलिन भी प्रेजेंट होती है, ग्लोबुलिन का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो है वो 25% जो है वो रोल होता है। तीसरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आप जानते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है लेकिन इसका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा ग्लोबुलिन में आ जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है, वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, डिफेंस का काम करती हैं। फिर इसी तरह से थ्रोम्बिन प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कैटलिस्ट का काम करती है, तो ये भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होती है। तमाम चीज़ें प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अदर ऑर्गेनिक, यानी है तो ये प्रोटीन लेकिन प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है लेकिन इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट हैं, जैसा कि ग्लूकोज है, फिर अमाइनो एसिड है, फिर इसमें फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी ब्लड का ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है इसमें प्रेजेंट होती है और मुख्तलिफ काम करते हैं। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं लिवर के अंदर जब जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल हॉर्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं। फिर इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 0.9% यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो 2/3 होते हैं वो सोडियम क्लोराइड होते हैं जो कि टेबल सॉल्ट है, सॉल्ट इसके अंदर है, तो ये सोडियम क्लोराइड की अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर इसी में आप जानते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होती हैं, ये भी प्लाज्मा का हिस्सा है। नाइट्रोजन वेस्ट में अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड,
ये तमाम चीजें भी इसका पार्ट होती हैं। फिर ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही आपको हॉर्मोन्स भी मिलते हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द टारगेट साइट। फिर आपको यहाँ पर गैसेस भी मिलती हैं जो कि प्लाज्मा जो है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि गैसेस भी जो है वो ब्लड के अंदर ही आ जाती हैं जब वो अब्सॉर्ब होती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ आपको मिलेंगी। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आपने याद रखनी है। उसके बाद ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स आप जानते हैं कि तीन तरह के आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर तीसरे जो है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, या इनकी वर्ड यूज किया जाता है प्लेटलेट्स, दे आर कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसमें फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन है, इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से आपने इसको आइडेंटिफाई जो है वो कैसे करना है। अब सबसे पहले अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर लें, रेड ब्लड सेल्स की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा होती है, दे आर द मोस्ट न्यूमेरस इन नंबर, यानी बहुत ज्यादा तादाद में आपको ये मिलते हैं, मिलियंस में इनकी तादाद होती है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेल में इनकी तादाद ज्यादा होती है, फीमेल में इनकी तादाद जो है वो कम होती है। उसकी वजह यह है कि मेल जो होते हैं उसकी बॉडी मस्कुलर है, इस वजह से भी मेल के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं, और इसके अलावा फीमेल जो है उनके अंदर जो एवरेज लॉस होता है ब्लड का, उसकी वजह से उनके अंदर ब्लड सेल्स जो है वो कम होते हैं। अब इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर हम इसका साइज देखें तो साइज इसका ये छोटे साइज के होते हैं, और 8 माइक्रोमीटर तक जो है इनका साइज होता है। शेप को अगर हम देखें तो ये बायोकनकेव शेप होती है, ये पूछा जा सकता है कि शेप इनकी किस तरह की है। अब इनकी सेंथेसिस कहाँ पर होती है, ये सवाल आ सकता है। सेंसिस में ये लिवर स्प्लीन में भी बन सकते हैं, लिवर और स्प्लीन में बनते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। इसके अलावा इनकी जो सेंसिस है वो रेड बोन मैरो के अंदर होती है, रेड बोन मैरो के अंदर, और रेड बोन मैरो स्पेशली जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उनके रेड बोन मैरो के अंदर है ये डिवेलप होती हैं। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें कि रेड ब्लड सेल में क्या होता है, तो आप जानते हैं इसमें हीमोग्लोबिन है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो 95% तक इसमें प्रेजेंट होती है, प्लस 5% जो होती है इसमें अदर प्रोटीन्स होती हैं, और अदर प्रोटीन्स में जो एज एंजाइम भी काम करती हैं, जैसे कि हमने एक एंजाइम ऑलरेडी पढ़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच करने में जो है वो काम करता है। फिर इसमें कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर जो मैग्नीशियम है नाइट्रोजन वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी आयरन नॉट मैग्नीशियम। तो ये इसमें आप बताएंगे। फिर इसका एवरेज लाइफ स्पैन है, दैट इज 4 मंथ्स और 120 डेज, और फंक्शन आ जाएगा आप जानते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो इस तरह से इसके फंक्शंस आपने याद रख लेने। व्हाइट ब्लड सेल्स में भी यही चीजें आपने देखनी है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये लार्ज होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स इनका साइज है वो बड़ा होता है, लेकिन इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता जिस वजह से ये कलरलेस होते हैं, वहां तो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से उसका रेड कलर होता है। ये सेंथेसिस जो है ये भी रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, रेड बोन मैरो में इनकी सेंथेसिस होती है, और इसके साथ साथ ये लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर भी बनते हैं, जैसा कि लिम्फ नोड्स वगैरह उनके अंदर, फिर थाइमस के अंदर ये लिम्फोइड मैसेज है उनके अंदर भी इनकी सेंथेसिस जो है वो होती है। इनके नंबर जो है वो कम होते हैं रेड ब्लड सेल से, नंबर्स इनके 7,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर स्क्वेयर, जो कि आपको रेड ब्लड सेल मिलियन से मिलते थे, ये इनमें तादाद इनकी कम होती है। ये न्यू क्रिएटेड होते हैं रेड ब्लड सेल, आप जानते हैं जब मिच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस नहीं रहता, और ये साथ साथ जो है वो अम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जो मेन काम है इसका वो अम्यूनिटी के अंदर होता है। लेकिन इसमें जो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो व्हाइट ब्लड सेल की हमें क्लासिफिकेशन जो है वो भी मिलती है, आपने उस क्लासिफिकेशन को याद रखना। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे आपको इसमें मिलेगी, एक इसके अंदर क्लासिफिकेशन जब की जाती है तो इसमें हम शेप ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस किस तरह का है, आप जब देखेंगे डिफरेंट तो उसमें न्यूक्लियस की शेप डिफरेंट होगी। दूसरा हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन में ये देखना पड़ता है कि साइटोप्लाज्म की अपेयरेंस क्या है, साइटोप्लाज्म की अपेयरेंस, तो दो बेस पर हम क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप्स आ जाते हैं इसमें मेन, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, दो ग्रुप्स हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं, इसमें एक है न्यूट्रोफिल्स, एक इसके अंदर है एसिनोफिल्स,
और एक इसमें है बेसोफिल्स, ये तीन। और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर दो आ जाते हैं, एक है मोनोसाइट्स और एक इसमें आ जाता है लिम्फोसाइट्स। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर हमने क्लासिफिकेशन करना है तो हमें इसके अंदर न्यूक्लियस की शेप में जो है डिफरेंस मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है, अभी एक सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें काफी सारी लोब्स बनी होती हैं ऐसे लाइक दिस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 5 लोब्ड होता है। दूसरा, हमें इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स। ये तो तमाम के साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे वो एजिनोफिल का है या बेसोफिल का है। लेकिन जब हम बेसोफिल्स को देखते हैं, क्योंकि ये डायग्राम भी आ सकते हैं ऑप्शन के अंदर, तो आपने आइडेंटिफाई करना है, तो इसके अंदर जो आपको एसिनोफिल मिलेगा, आपको उसकी जो आपको लोब मिलेगी वो 2 लोब तक इसमें न्यूक्लियस मिल सकता है लाइक दिस, ये इस तरह का। बाकी इसमें भी ग्रेनुलोसाइट्स आपको मिले। अब जो एजिनोफिल की आपने बात की, यहाँ पर आपको ये लोब्स इसके अंदर मिलती हैं, और जो बेसोफिल्स है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जो है वो भी बाइलोब होता है लाइक दिस। ये इसमें थोड़ा सा फर्क ही होता है, मैं डिफरेंस थोड़ा सा इसमें बना दूँ। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा थिन और लोब्ड होता है, ये इसका न्यूक्लियस ज़रा थिक लोब्ड होता है, इनमें ये फर्क है। बाकी ग्रेनुलोसाइट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर बाइलोब्ड है न्यूक्लियस और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो भी बाइलोब न्यूक्लियस, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जो मोनोसाइट्स होते हैं, अगर हम उसमें डिफ्रेंशिएट करें तो सेल है, सेल के जो तो न्यूक्लियस होता है वो राउंड टू लोब होता है, ये इसमें आपको मिले। तो न्यूक्लियस जो है दैट इज राउंड टू लोब, और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ये क्लियर साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पर मिलेगा, ये क्लियर साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस कंप्लीटली फिल्ड होगा सेल के अंदर, यानी सेल को तकरीबन ऐसे न्यूक्लियस ने मुकम्मल तौर पर भरा होगा, तो ये फिलिंग सेल राउंड है और ये सेल को मुकम्मल तौर पर फिल कर रहा है, और उसमें अभी आपको वो जो आपको मिलेंगे ग्रेन्यूल्स वो नहीं। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर कि ये सेल कौन सा है, ताकि आपको इससे अंदाजा हो जाए कि एक से दूसरे को जो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है। अब जो इनके फंक्शंस हैं, फंक्शंस पे हम बात कर लें कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये माइक्रोफेजिस हैं, ये स्मॉल पार्टिकल जो हैं उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब जो एजिनोफिल्स होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को ये इनएक्टिवेट करते हैं और साथ ही ये पैरासाइट को अटैक करते हैं, ये आ जाएगा। और जो बेसोफिल्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, साथ ही कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि हिस्टामाइन और हेपरिन। हिस्टामाइन ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं और हेपरिन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करते हैं, तो ये इसमें इन्फ्लेमेटरी जो है आपको मिलेंगे। फिर जो मोनोसाइट्स होते हैं ये मैक्रोफेजेस होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन सारे नहीं करेंगे बल्कि स्पेसिफिक जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन करेंगे। अब आपको इनकी परसेंटेज भी याद रखनी होगी कि सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होते हैं टोटल वाइट ब्लड सेल का 62% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एजिनोफिल्स होते हैं वो 2% होते हैं तकरीबन, जो बेसोफिल्स होते हैं वो लेस देन 1% आपको बेसोफिल्स मिलते हैं, मोनोसाइट्स 3% मिलेंगे और लिम्फोसाइट 2% मिलेंगे। सो ये भी इसमें इनके फंक्शंस के साथ आपने ये भी याद रखना है। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं और इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों हमने देखा है कि ये फेगोसाइटोसिस में काम करते हैं और ये जो मैक्रोफेजिस या माइक्रोफेजिस के तौर पे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन के 10 से 20 घंटे तक ब्लड में रहते हैं और उसके बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने डिस्ट्रक्शन करनी होती है, और वहां जाके व्हाइट ब्लड सेल्स वहां जाके उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपको इनका फंक्शन जो है वो यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरह के सवाल यहाँ से आ सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल से। फिर तीसरी तरह की जो सेल्स हैं वो प्लेटलेट्स हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली सेल्स, ये सेल्स नहीं होते बल्कि ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, और फ्रेगमेंट्स किसके होते हैं, बड़े सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ये लार्ज सेल्स होते हैं। अब इनका काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि
जो ब्लड क्लॉटिंग है वो इन्होंने करनी। अब ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो फाइब्रिनोजिन है, अब फाइब्रिनोजिन जो होती है वो एक सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल फॉर्म है, ये उसको कन्वर्ट करते हैं इन सॉल्युबल फॉर्म में जो कि है फाइब्रिन, और फाइब्रिन जो है ये एक इन सॉल्युबल फॉर्म उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये इनके जो है वो कन्वर्जन करते हैं। और इसमें यहाँ जो थ्रोम्बिन होती है वो इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होती है, और जो फाइब्रिन है फिर ये ब्लड क्लॉट लगाएंगे, ये क्लॉट करेंगे, ये ब्लड को सील्ड करेंगे वहां पर, और ये टेम्परेरी सील्ड होता है जहां पर डैमेज टिश्यूज भी होते हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, तो ये मिलकर एक क्लॉट जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड जो हमारे पास कॉम्पोनेंट है वो है ह्यूमन हार्ट, जो कि पंपिंग डिवाइस है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम लोकेशन देखें तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आप जानते हैं, और ये लेफ्ट साइड की तरफ यानी लेफ्ट टू स्टर्नम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्लाइटली लेफ्ट होते हैं, तो एक तो ये अपने इसमें याद रखनी है। दूसरा हम जानते हैं कि इसका जो कंट्रोल होता है दैट इज अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है क्योंकि ये इनके अंदर इनवॉलंटरी एक्शन जो है हमें यहाँ पर मिलता है। अच्छा, इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो है दैट इज द डबल मेम्ब्रेनस सैक, एक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है, दो पार्ट इसके अंदर होते हैं, आउटर भी होती है और इनर भी होती है, और ये इसको प्रोटेक्ट भी करती है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और इसको फ्रिक्शन से भी बचाती है, ओवर एक्सटेंशन से भी बचाती है, तो ये सारे के सारे फंक्शन है वो पेरिकार्डियम परफॉर्म करती है। लेकिन ये पेरिकार्डियम आगे फर्दर ये प्रेजेंट किस तरह से होते हैं, देखिए अगर हम लेयर बनाएं इसके डिफरेंट, या मैं इसकी डिफरेंट लेयर जो है वो बना लेता हूँ, एक ये लेयर है, एक हार्ट के अंदर ये लेयर है, इसी तरह से एक ये लेयर है, और इसके अंदर यहाँ आपको ये इस तरह से लेयर प्रेजेंट होती है। अब मैं अगर अंदर से बाहर की तरफ जाऊं, इनर टू आउटर, वो इस तरह से कि ये वाली एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम, ये जो आपको मिल रही है ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम, और इसी तरह से जो बाहर की तरफ है वो आपको मिलती है एपिकार्डियम। अब ये एक्चुअली मिल रही है पेरिकार्डियम, दो, और पेरिकार्डियम की जो बाहर वाली है सबसे वो मिलती है एपिकार्डियम, और इसके दरमियान यहां पर फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एपिकार्डियम दिस इज द आउटर पेरिकार्डियम, ये आउटर पेरिकार्डियम होती है और यहाँ कार्डियक फ्लूइड है। तो मायोकार्डियम जो है इसके अंदर कार्डिक मसल होते हैं, ये भी सवाल आ सकता है कार्डिक मसल्स कहाँ पर है, तो इस तरह के सवाल जो है वो आपको मिल सकते हैं। कार्डिक मसल्स में हार्ट के मसल्स हैं, एक तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ब्रांच्ड होते हैं, और दूसरा हम जानते हैं कि इनमें इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क, सो इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एपिकार्डियम जो होती है वो एक सिंपल, उसमें एक तो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो आपको मिल रहा है एपिकार्डियम, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। दूसरा अगर हम इसमें सेल्स की टाइप देखें कि किस तरह के सेल्स यहाँ होते हैं, तो इनका एक नाम है दैट इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, क्योंकि लेयर जो बना रहे हैं उन सेल की टाइप, क्योंकि सिंपल स्क्वेलम भी होते हैं, कॉलमर भी होते हैं, मुख्तलिफ एफिलिएटेड भी होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हार्ट के जो लेयर्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। अब इनमें कॉन्ट्रेक्शन जो होती है वो साफ मिडल लेयर के अंदर होती है, मिडल लेयर सबसे ज्यादा थिक होती है। अब हार्ट के अगर हम चैम्बर्स में आ जाएं तो आप जानते हैं कि इसमें फोर चैम्बर्स हैं, फोर चैम्बर्स में टू एट्रिया हैं और टू वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों एट्रिया जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट होते हैं, उसमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थ्री टाइम्स थिकर होता है देन राइट वेंट्रिकल, ये भी सवाल आ सकता है, राइट वेंट्रिकल से ये थ्री टाइम्स है वो थिकर होता है। अब इनके दरमियान फिर आप जानते हैं कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टा जो दो एट्रिया को सेपरेट करते हैं, फिर इंटरवेंट्रिकल सेप्टा जो कि दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती इसके अंदर, कंप्लीटली सेपरेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। फिर अगर हम बात करें इनमें वेल्व्स की या वॉल्स होते हैं, उनमें एक टाइप वॉल की है उनको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर,
अब ये जो प्रेजेंट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपको बाइकस्प वेल्व्स मिलते हैं या जिनको मिट्रल वेल्व्स भी कहते हैं, और इसी तरह से ट्राइकस्प मिलते हैं, उनके अंदर फ्लैप्स दो हैं या तीन हैं, उस बेस पर हम इनको देखते हैं। अब जो बाइकस्प होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड पे होते हैं और ये राइट साइड पे होते हैं, ट्राइकस्प, राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब एक वर्ड यहां पर यूज होता है पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स होती हैं, ये एक एक्सटेंशन होती है ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की वॉल की एक एक्सटेंशन है जो कि अटैच होती है एक थिक फाइबरस कर्ड के साथ, उसको कहते हैं कॉर्डेट टेंडन, और इसके जरिए ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स के साथ अटैच होते हैं। तो ये कनेक्शन होता है कि वेंट्रिकल के अंदर ये पेपिलरी मसल है, ये कॉर्डेट टेंडन के जरिए वेल्व्स के साथ अटैच होते हैं एट्रियो, चाहे वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है, यही अरेंजमेंट होगा। सिंपल ये होगा कि अगर तो पेपिलरी मसल जो है वो राइट वेंट्रिकल के हैं तो इसका मतलब है कि वो अटैच होंगे ट्राइकस्प वेल्व्स के साथ, अगर एट्रियो पेपिलरी मसल जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं तो अटैच होंगे बाइकस्प वेल्व्स के साथ, तो ये इनमें आपको डिफरेंस मिलता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ और वेल्व्स भी होते हैं, उनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। अब ये जो सेमी ल्यूनर प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ये उसकी बेस पर, यानी हार्ट से जब ब्लड निकलता है, अब हार्ट से ब्लड निकलता है तो वेंट्रिकल से निकलेगा, याद रखना, जब हार्ट में ब्लड आएगा तो एट्रिया के अंदर आएगा। अब हार्ट में कौन सी साइड पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड है जिसमें लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल दोनों आ जाते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट साइड होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट में है और वो राइट साइड पे है, राइट एट्रिया में आएगा, राइट एट्रिया में कहाँ से आएगा, पूरी बॉडी से आएगा ब्लड हार्ट की तरफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड, और वहां से राइट वेंट्रिकल से निकलेगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस हार्ट के अंदर आएगा क्योंकि डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वापस जब आएगा तो वो लेफ्ट एट्रिया में वापस आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होता है। तो एओर्टा जो होता है वो कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है राइट वेंट्रिकल से, और आप जानते हैं एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स की तरफ जाएगा, और इस तरह से इनके अंदर दो तरह की सर्कुलेशन होती रहती है, एक सर्कुलेशन जो है वो हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी सर्कुलेशन जो है उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये इस तरह से ब्लड जो है वो इनके अंदर आता है। अब इसमें डिफरेंट आर्टरीज को भी आपने याद रखना है कि कौन सी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जा रही है, मिसाल के तौर पर एओर्टा है, एओर्टा यहाँ से थ्री अपर आर्चीज अराइज होती है बिफोर इट डिसेंडिंग डाउन, और उसके बाद इट डिसेंडिंग डाउन ये नीचे की तरफ आ जाता है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो फिर उससे मुख्तलिफ आर्टरीज निकलना शुरू हो जाती है। अब एओर्टा की बेस से आर्टरीज जो राइज होती हैं वो करोनरी आर्टरी हैं, और करोनरी आर्टरीज होती हैं वो अपने ही हार्ट के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करती हैं, और ये जो अपर आर्च है जिसमें करोटिड है, जिसमें जो है वो सब क्लेवियन आ जाती है, ये अपर बॉडी पार्ट को यानी जॉस को जो बॉडी के ऊपर पार्ट है, शोल्डर्स को हार्ट से ऊपर जो पार्ट है, फेस को, हेड को, इनको ब्लड लेके जाते हैं। इसके बाद जैसे डिसेंडिंग डाउन आती है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी हम जानते हैं किडनी को ब्लड लेके जाती है, फिर हेपेटिक लिवर को ब्लड देती है, फिर मेसेंट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम गट को ब्लड देती है, फिर इलिक ये ब्लड लेग्स को देती है, तो ये इनको ब्लड जाना, फिर आगे इनसे वेन निकलना शुरू हो जाती है, इससे रीनल वेन निकलेगी, इससे हेपेटिक वेन निकलेगी। अब गट से जो वेन निकलती है वो वेन जो होती है इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक चीज मिलती है। अब हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है ये लिवर में ब्लड को ले जाती है, लेकिन ये सारी जो वेन निकली है ये ब्लड को लेकर जाती है वेना कैवा में, यहाँ से इलिक वेन निकलती है और इलिक वेन भी ये सारी की सारी मिलकर वेन जो है वो सारी मिलकर जाती है इन्फीरियर वेना कैवा में, लेकिन जो हेपेटिक पोर्टल है ये कि गट से जो ब्लड निकलता है तो ब्लड पहले लिवर को जाता है फिर लिवर से हेपेटिक वेन के जरिए ब्लड यहाँ आता है, तो ये एक स्पेसिफिक केस है, इसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। अब इसी तरह से ऊपर से जितनी भी वेन्स वापस आएंगी तो वो आ जाएंगी सुपीरियर वेना कैवा में, वेना कैवा एक बड़ी वेन होती है जो कि वेन्स मिलकर बनाती है, और ये दोनों तरह की वेना कैवा आप जानते हैं यहाँ के ओपन होंगी राइट एट्रिया के अंदर,
और ब्लड को वापस जो है वो लेके आ जाएंगे। तो ये सर्कुलेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ये आपने इसमें याद रखनी है। तीन स्टेजेस आती हैं कार्डिक साइकिल में। एक स्टेज है वो इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, एक इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और तीसरा इसके अंदर जो फेज है वो है डायास्टोल। तीन फेजेस के अंदर जब वो कंप्लीट होता है और टोटल एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं ऑन एवरेज। और अगर हम ओवरऑल एवरेज पर्सन लाइफ की बात करें, एवरेज पर्सन लाइफ में जो हार्ट साइकिल है वो 2.5 बिलियन टाइम चलता है। अब इसमें जो तीन फेजेस हैं, अब इन तीनों फेजेस की हम बात करते हैं। देखिए हम डायस्टोलिक फेज जो है ये तकरीबन 0.4 सेकंड के लिए होती है डायस्टोलिक फेज। अब इसमें डायस्टोल में ये रिलैक्स्ड स्टेट है, इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स में जाते हैं, और जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं तो रिलैक्स करने से ब्लड हार्ट के अंदर भरता है। अब कैसे ब्लड हार्ट में भरता है, देखिए सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आएगा और ये जाएगा राइट एट्रिया में, क्योंकि हार्ट जो है वो इस वक्त रिलैक्स कर रहा है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों में अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। अब इस दौरान जो वेल्व्स हैं डायस्टोल के अंदर, इसमें जो एवी वेल्व्स होते हैं यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वेल्व्स हैं वो इस वक्त जो है वो ओपन होंगे, और जो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं वो इस वक्त क्लोज होंगे, क्योंकि अब यहां से आगे वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड जाना है। जो राइट एट्रिया है यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाना है, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना है, अगली ही स्टेट के अंदर। वेंट्रिकल रिलैक्स में ही रहेंगे, लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि जो एट्रिया है अब उसके अंदर सिस्टोल आएगा, तो जब सिस्टोल उसके अंदर आएगा तो ब्लड को पंप करके आगे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद आया था एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड के लिए होता है, और इसमें दोनों जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो होता है दैट मूव्स टू वेंट्रिकल्स जो के जिनके अंदर जो कि भी रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर वो जा रहे हैं। इसमें भी उसी तरह से एवी जो वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं या ओपन ही हैं, और जो सेमीलिनर वेल्व्स हैं वो क्लोज हैं, तो यहां से आगे ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। जब वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ये तकरीबन 0.3 सेकंड्स के लिए होता है। इसमें दोनों जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस दौरान एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वेल्व्स होंगे अब वो क्लोज हो जाए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होंगे, और इनके क्लोज होने से जो साउंड क्रिएट होगी पहली साउंड वो लब साउंड जो है वो क्रिएट होगी, एवी नोड जो है बंद हो जाएंगे, और जब एवी नोड बंद होंगे लेकिन साथ ही जो सेमी ल्यूनर जो वेल्व्स हैं, वेल्व्स हैं ये नोड्स नहीं है, ये ओपन हो जाएंगे, और जब ये ओपन हो जाएंगे तो दोनों एट्रिया से ब्लड बाहर निकलेंगे, वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल से ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक जो है वहां से चला जाएगा लंग्स के अंदर, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड पर। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा, इस तरह से ब्लड जो है वहां से आगे चला जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि ये एक साइकिल है तो साइकिल में दोबारा से जब डायस्टोल फेज आनी है तो उसमें देखें फिर से जो सेमीलिनर वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, जैसे डायस्टोल फेज आई तो सेमीलिनर वेल्व्स जब क्लोज होंगे तो इनके क्लोज होने से जो सेकेंड साउंड है हार्ट की वो आती है, इसको हम डब साउंड कहते हैं। तो याद रखना है कि जो साउंड है वो हार्ट के बंद जो वेल्व्स हैं उनके बंद होने की है, वो खुलने की साउंड जो है वो नहीं है, तो ये इसमें आपने याद रखना है। तो ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद करना है। इसके बाद साथ ही हम ये देख लेते हैं कि हार्ट की जो एक्साइटेशन है वो कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन।
हार्ट एक्साइटेशन के अंदर हार्ट के जो मसल्स हैं वो काम करते हैं, और इन मसल्स को जो कार्डिक मसल्स होते हैं जो कि मायोजेनिक टाई मसल्स इनको हम कहते हैं। मायोजेनिक टाई मसल्स का मतलब ये होता है कि ये एक तो इनवॉलंटरी है, यानी कि ऑटोमेटिकली मूव करते रहते हैं। दूसरा ये रिदमिक है, इनमें रिदम होती है। रिदम का मतलब ये होता है कि वो खुद ब खुद से ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, उनके लिए बार बार नर्व्स के आने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी जो मूवमेंट होती है इनको हम रिदमिक मूवमेंट, मायोजेनिक टाइप मूवमेंट, या इनको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। तो हार्ट की जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, और इसमें इंट्रिंसिक रिदमिसिटी होती है। तो रिदम जो है ये इंट्रिंसिक है, यानी इंटरनल फैक्टर की वजह से ही, एक्सटर्नल फैक्टर की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। और जब हार्ट बीट करता है तो हार्ट के बीट करने में कुछ पेस मेकर्स यहाँ चाहिए होते हैं, पेस मेकर। और पेस मेकर में जो हमारे पास एक नोड होता है उसको हम एस से नोड कहते हैं। एस से नोड, एस से स्टैंड्स फॉर साइनो एट्रियल नोड। और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? दैट इज प्रेजेंट एट टॉप ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के टॉप पे होता है ये, हमारे पास पेस मेकर है। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेंड करता है एट्रियल मसल्स तक, जिससे दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। अब उसके बाद जो एक और नोड है जिसको हम एवी नोड कहते हैं, एवी नोड जो है वो इसी तरह से एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड एट द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है वहां ये प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा जो इसके अंदर नोड है, दैट विल रिसीव सिग्नल, ये सिग्नल को रिसीव करेंगे फ्रॉम एस ए नोड। इन्होंने एस ए नोड से सिग्नल को लेना है, एंड इट टुक अबाउट 0.15 सेकेंड्स टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द एस ए नोड। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं? वो एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन में काम करते हैं, और इनका काम है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी कॉन्ट्रेक्शन के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनके अंदर डिफरेंट जो नोड्स होते हैं वो हार्ट की एक्साइटेशन का जो काम कर रहे होते हैं। साइनो एट्रियल नोड है जो कि मायोफिब्रिल उसके अंदर है, नर्व एंडिंग होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, और वहां से वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वहां से सिग्नल वो एवी को दे देगा। एवी जो है वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन जो है वो करेगा, उसमें भी स्पेशलाइज मसल्स होते हैं, और वो वेंट्रिकुलर सेप्टा के ऊपर जो वो प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत से अदर फाइबर्स भी होते हैं जो कि कंडक्टिंग, आप मायोफिब्रल्स उनको कह सकते हैं। उसमें प्रोकिंजी फाइबर्स हैं जो कि कार्डिक मसल्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, फिर मायोफिब्रल्स उसके अंदर होते हैं। और आप जानते हैं कि जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क भी होते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न होता है उसके अंदर। बहरहाल जो प्रोडक्शन है इसके अंदर वो आपको इस तरह से एक्शन जो है वो आपको मिलेगा। ऐसे नोड्स का वो बता दिया कि इसमें कार्डिक फाइबर्स भी हैं, इसमें नर्व एंडिंग भी होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, मायोफिब्रल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी के सारी चीजें मिलकर एस ए नोड्स जो है वो बनाते हैं। कार्डिक आउटपुट, ये हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को ही हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। अब ये इसके अंदर, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में ईसीजी का, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ये एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है कार्डिक रिएक्शन में, और हम स्पेसिफिकली इसके अंदर ये देखते हैं कि उसकी फंक्शनिंग क्या है हार्ट की, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की एक्साइटेशन को देखने के लिए जो है वो हम यहाँ पर फिनोमिना देखते हैं। और ईसीजी में हमने देखा कि इसमें डिफरेंट जो है वो वेव्स बनती हैं, और उसकी बेस पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हार्ट किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो वेव होती है उसमें लाइक दिस, ऐसे ही सी जी, इसके अंदर डिफरेंट वेव्स हैं। एक पी वेव है, एक क्यू आर एस है, और एक टी। तो तीनों के अंदर हमें देखना है कि ये किस तरह से इन्वॉल्व होती है। देखिए जो पी वेव होती है दैट इज कॉल्ड द एट्रियल डी पोलराइजेशन, यानी जब एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होती है उसको हम एट्रियल डी पोलराइजेशन कहते हैं। उसके बाद एक क्यू आर एस सिस्टम हमारे पास आ जाता है, क्यू आर एस। अब जो क्यू आर एस होता है ये स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर डी पोलराइजेशन होता है। क्यू आर एस
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब उसके बाद टी वेव आ जाती है, टी वेव इज द रीपोलराइजेशन। तो ये इनके अंदर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है कि इसमें क्या कंडीशन है। मिसाल के तौर पर जो करंट दिया जाता है उसको हम ये देखते हैं कि हार्ट के अंदर क्या करंट पूरा आ रहा है या हार्ट में करंट पूरा नहीं आ रहा। तो इसमें डिफरेंट इंटरवल्स आते हैं हमारे पास, जैसे एक पी से आर के दरमियान, इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं, और इसी तरह से फिर इसमें एस और टी के दरमियान एक इंटरवल होते हैं, इसको हम एस टी इंटरवल कहते हैं। ईसीजी के ऊपर हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखते हैं। अब पी आर इंटरवल के अंदर ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि पी वेव स्टार्ट होने से लेकर क्यू आर एस के शुरू होने तक जो है इसको हम पी इंटरवल कहते हैं। अब ये इंटरवल हमें इंडिकेट करता है कि जो साइनोवेट्रियल डीपोलराइजेशन है वो कब आगे वेंट्रिकल तक पहुंचेगी। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को वहां नोट किया जाता है। फिर एस टी है, इसमें वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और आप जानते हैं कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम देखते हैं कि जिसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो रही है और इनिशिएशन हो रही है रीपोलराइजेशन, उसको हम टाइम इंटरवल एस टी सेगमेंट कहते हैं। तो इससे फिर हमें कार्डिक रिथमाइज का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन तो नहीं हार्ट के अंदर, कोई डिफेक्ट अगर आ रहा है कंडक्शन में, या हार्ट चैम्बर की साइज पोजिशन के अंदर कोई फर्क आ गया, या हार्ट मसल्स डैमेज हो गए हैं तो हमें ये पता चल सकता है। फ्लो क्या है वहां पर ब्लड का हार्ट मसल्स तक, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या समटाइम कुछ मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है कार्डिक मसल्स के ऊपर उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अलोंग साइड जो पेस मेकर्स काम कर रहे होते हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं या उनमें कोई फॉल्ट है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय द ईसीजी। ईसीजी जो है ये फिनोमिना हमें यहाँ पर टेस्ट है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ब्लड वेसल्स पे हम आ जाते हैं, एक और कंपोनेंट जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। ब्लड वेसल्स में हम जानते हैं कि ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती है मेनली, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में अगर बेसिक डिफरेंस देखें कि हम आर्टरी किसको कहेंगे, आर्टरी हम उसको कहेंगे कि जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाए, हार्ट से अवे लेके जाएगी वो आर्टरी होगी। अगर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएगी तो इसका मतलब है वो वेन है, और ये लिंक करती हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ। एक तो ये हमें डिफरेंस यहाँ पर मिलते हैं। अब आर्टरीज में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सवाए पल्मोनरी आर्टरी, इसके अलावा बाकी सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेन्स होती हैं इसमें भी हम ये लिखते हैं कि जितनी भी वेन्स होती हैं दैट कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट की तरफ आ रही है लंग से, तो ब्लड उनमें ऑक्सीजनेटेड होता है, बाकी सब में डी ऑक्सीजनेटेड। इनके अंदर जो होता है वो मिक्सड ब्लड होता है, यानी दोनों तरह का ब्लड हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन डी ऑक्सीजनेशन जो है हमें यहाँ पर मिल रही है। अब आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के अगर हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो इनके स्ट्रक्चर में जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर थ्री लेयर्स होती हैं मेनली, लाइक वन, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आप वेन में देखेंगे तो वेन के अंदर भी तीन लेयर्स होती हैं, और अगर आप कैपिलरीज में देखेंगे तो कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर हो, सिंगल लेयर है, ये इनमें फर्क आपको मिलेगा। जो लेयर होती है इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, और जो दरमियान में लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको ट्यूनिका एंटीमा, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एंडोथीलियम। और इसके अंदर जहां से ब्लड गुजर रहा है, ब्लड कहाँ होता है, ब्लड यहाँ होता है, तो ब्लड जो है जिस जगह होता है इसको ल्यूमन कहते हैं, ब्लड इज इन द ल्यूमन। ये आपको डिफरेंट लेयर्स मिली। अब इन लेयर्स के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया होती है, सॉरी एडवेंटिशिया है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें आपको एक तो मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। हमेशा जो बाहर वाली लेयर होती है उसके अंदर याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी कनेक्टिविटीज है। और साथ यहाँ पर इसके अंदर इलास्टिक फाइबर होते हैं, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है, उनमें वैसो डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन का फिनोमिना होता है, ब्लड ज्यादा आएगा डायलेट कर जाएंगे,
कम होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे और इनके अंदर ये एबिलिटी आपको मिलती है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडिल लेयर है, तो याद रखने की मिडिल लेयर ज्यादातर जहां प्रेजेंट होती है, अगर वहां मसल्स हैं तो इसके अंदर मसल्स होंगे, चाहे वो हार्ट की ले लें, चाहे वो आप जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ले लें, ब्लड वेसल्स की ले लें, हमेशा जो मिडिल लेयर होती है उसमें मसल होते हैं, तो इसके अंदर भी मसल्स हैं। सर्कुलर स्मूद मसल्स हैं इसके अंदर, और साथ इसके अंदर अगेन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है मिडिल लेयर के अंदर। और जो इनर लेयर होती है एंडोथीलियम, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कह रहे हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स हैं, इनमें इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इलास्टिक फाइबर्स के साथ साथ इसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स की जो टाइप्स होती है उसको हम कहते हैं स्क्वेमस, बल्कि कंप्लीट लिखेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, ये इसके अंदर सेल्स आई मिलती है। तो ये इसमें स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा। अब अगर हम इसको वेन के साथ कंपेयर कर लें, तो वेन के अंदर हमने ये देखना है कि इसके अंदर आउटर मोस्ट में कनेक्टिव टिश्यूज तो हैं, लेकिन यहाँ पर वेरी फ्यू इलास्टिक फाइबर, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर उसी तरह के हैं जैसा कि हमने आर्टरीज के अंदर देखे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज तो हैं आउटर लेयर के अंदर, लेकिन और मिडिल लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इलास्टिक मसल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जिस वजह से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की इतनी एबिलिटी नहीं होती, यानी इतनी इलास्टिसिटी उसमें नहीं होती जितनी के जो है वो आर्टरीज के अंदर इलास्टिसिटी होती है। और ये डिफरेंस यहाँ आपको मिलेगा क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर कम होते हैं। दूसरा अगर हम फर्क देखेंगे तो ये कि इसके अंदर जो बोर जो होता है या इसमें जो ल्यूमन होता है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा ल्यूमन जो है वो आपको इसका मिलता है, यहाँ पे ब्लड होता है। और दूसरा इसकी जो दीवारें मैंने बनाई है वो भी रेगुलर सी नहीं, ये शो ये कर रही है कि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स इतने नहीं है। यहाँ पर आपको जो कैपिलरीज है वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर मिलती है और वो एंडोथीलियम है, यानी कि ट्यूनिका एंटीमा, और ये वन सेल थिक है, यानी इसके अंदर अगर हम सेल्स को देखें तो इसके अंदर एक लेयर होती है सेल्स की बस ये। और आप जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा कैपिलरीज थी इन्वॉल्व होती है इनमें, इसी वजह से ब्लड एक्सचेंज जो डिफरेंट हम एक्सचेंज देखेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी कुछ डिफरेंस अगर आप देख लेते हैं तो आर्टरीज होते हैं इनमें वेल्व्स नहीं होते, जस्ट इसमें जो वेल्व्स होते हैं वो हम पहले बात कर चुके हैं कि बेस ऑफ एओर्टा पे प्रेजेंट होते हैं, बेस ऑफ एओर्टा, और वो वेल्व्स जो है उसको हम सेमी ल्यूनर वेल्व्स कहते हैं। लेकिन जो वेन्स होती हैं इसके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट। और ये जो वेल्व्स होते हैं इनका काम क्या होता है, आप पहले ही बात कर चुके हैं कि दे विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जो कैपिलरीज है इनके अंदर जो है वो वेल्व्स नहीं होते, तो ये भी आपने इसमें एक डिफरेंस है वो याद रखना है। फिर आ जाते हैं इनके अंदर ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कहाँ पर होगा, इनमें हाई ब्लड प्रेशर होगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली लिंक विद द पंप, क्योंकि पंप के साथ डायरेक्ट लिंक होती है। इनके अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि ये पंप से काफी दूर है, और इसके अंदर कैपिलरीज में फॉलिंग प्रेशर होता है, यानी जैसे इसके अंदर आते हैं तो प्रेशर इसमें गिरना शुरू होता है क्योंकि आर्टरी से आगे फिर कैपिलरीज हैं और कैपिलरीज के बाद जो होते हैं वो वेन होते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लड की बात की जाए, यानी कि स्पीड जो होती है ब्लड की, तो स्पीड भी सबसे ज्यादा आर्टरीज के अंदर ही होती है, दैट इज 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये इतनी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे डिक्रीज होती जाती है क्योंकि जितना ये पंप के करीब उतनी स्पीड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स, जब स्मॉल से लार्ज वेन बनती है वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और कैपिलरीज के अंदर जो स्पीड है वो स्लोएस्ट होती है, दैट इज 1 mm/s, और इस वजह से ही यहाँ पर एक्सचेंज होती है क्योंकि स्पीड स्लो होगी मटीरियल एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं होती, देयर इज नो एक्सचेंज, यहां पर भी कोई एक्सचेंज नहीं होती मटेरियल की, सिर्फ ब्लड गुजरता है, लेकिन यहां पर एक्सचेंज होती है मटेरियल की ब्लड के अंदर और सेल्स के दरमियान, फूड के जो कंपोनेंट हैं और इसी तरह से जो अदर आपको कंपोनेंट मिलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन है, वेस्ट है, ये सारे के सारी चीजें यहाँ इनके अंदर एक्सचेंज है वो आपको मिलती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो कुछ मजीद चीजें जो इसके अंदर आ जाती हैं, ये कंपैरिजन में कुछ सवाल आ सकते हैं कि आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टरीज होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, इनके अंदर जो एबिलिटी होती है उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन
और वैसो डाइलेशन की एबिलिटी होती है क्योंकि इनमें मसल्स होते हैं, और इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, और उसमें जो अगर ज्यादा ब्लड पास कर दिया जाए वहां तो डाइलेट कर जाते हैं, अगर ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करनी हो तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो इनके अंदर ही आपको सिस्टम जो है यहाँ पर मिलता है। फिर यहाँ जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के स्टार्ट के ऊपर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, क्योंकि ब्लड की जो फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं, तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं। और यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि हिस्टामाइन है, हमने देखा था कि व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये जो हिस्टामाइन होता है ये डायलेट करता है कैपिलरीज को ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्लड आ सके, तो ये भी आपने यहाँ पर बात याद रखनी। फिर कैपिलरीज से कुछ जो है वो मटेरियल, ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आता है जिसको आप टिश्यू फ्लूइड या हम बात करते हैं एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये कुछ ऐसा मटेरियल होता है, और द पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का वो पार्ट है दैट और लीक फ्रॉम कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज से निकला है और ये कैपिलरीज से निकल कर इंटर सेलुलर स्पेसिस के अंदर जमा हो गया। अब ये क्यों जमा होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो टिश्यू फ्लूड है ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि तो वहां जमा होगा तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट देगा जिसके रिजल्ट में एक्सचेंज ऑफ मटीरियल जो है वो होगी। अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट नहीं होगा तो मटेरियल की एक्सचेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये फ्लूड जो है इसको वापस ब्लड में भी डाल दिया जाता है, तो ये टिश्यू फ्लूड होता है वापस ब्लड के अंदर ये कैसे जाता है, ये रिटर्न बाय लिम्फेटिक सिस्टम, तो हम देखेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम से इसको वापस जो है वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। एक तो ये आपने इसमें याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि टिश्यू फ्लूड या इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या होता है। फिर जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल है इसमें एक पॉइंट है, मटेरियल्स की जो एक्सचेंज होती है वो कैसे होती है, कि अगर एक सेल है और कैपिलरीज हैं वो एक्सचेंज कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये एक कैपिलरी की वॉल है और कैपिलरी की वॉल के अंदर ऐसे आपको सेल्स मिलते हैं लाइक दिस, वन लेयर है ये, सो ये मैं कह देता हूँ कि दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। अब दूसरी तरफ हम यहां पर ले लेते हैं कि ये एक लाइक सेल है, अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान एक्सचेंज जो है वो कैसे होती है, ये कोई बॉडी सेल है, इनके दरमियान ये है इंटरसेलुलर स्पेस जहां वो टिश्यू फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है जो कैपिलरी से निकलता है ताकि मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। अब इसमें जो एक्सचेंज होती है वो उसके तीन वेज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मटीरियल यहां पर है, ये मटीरियल है, यहां से अगर किसी मटीरियल ने आना है तो वो क्या करेगा, वो यहां से सिंपली या तो ये कर सकता है कि इन जो इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस होती है वहां से निकल के यहाँ आ सकता है, नंबर वन एक्सचेंज है, और यहाँ से सेल के अंदर आ सकता है, या इसने अगर वापस जाना है किसी मटेरियल ने तो वो यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसिस में और यहाँ से वापस यहाँ, तो जो सेल्स के दरमियान स्पेसिस होती है कैपिलरीज की वहां से वो मूव कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई भी मटीरियल है, सेकेंड वे वो ये होता है कि वो यहाँ से सेल्स में से यहाँ और यहां से अगर वापस जाना है तो सेल्स में से इधर वापस चला जाएगा और ये जाएगा डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो यहां से भी गुजर सकता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ ऐसा मटेरियल है, थ्री वे थर्ड वे जो, वो ये है कि वो सबसे पहले ये वाला सेल उसको एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर लेके जाए, ये वैक्यूल बना के, और फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये बाहर निकालेगा और यहां से फिर ये सेल के अंदर चला जाएगा, और जब वापस जाएगा तो वापस जाने का भी ये फिनोमिना होगा कि यहाँ आएगा, यहाँ से एंडोसाइटोसिस के जरिए ये सेल के अंदर आएगा और फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये सेल से बाहर निकल जाएगा। या इसका मतलब है कि थर्ड वे ये है कि एक्सचेंज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से हो सकती है, थ्री वेज बाय विच द मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन द कैपिलरीज एंड द सेल्स, तो ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हो रही है। एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपके पास आ गया है। फिर इसमें एक जो पॉइंट है वो आपने ब्लड प्रेशर और रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड अभी देखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड या इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, दो चीजें आ जाएंगी बल्कि यहाँ दो अलग चीजें हैं। अब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है दैट इज सिंपली द वेलोसिटी,
और जो ब्लड प्रेशर है ये फोर्स है, दैट फोर्स इज पर यूनिट एरिया अगेंस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल के अगेंस्ट जो फोर्स है उसको देखिए, मिसाल के तौर पर एक ये ब्लड वेसल है। अब सिंपली वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ये है कि ब्लड गुजर रहा है सिंपल। और ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर ये है कि ये दीवारों पर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है। अब ये दो अलग अलग चीजें हम यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है और किस तरह से इनमें डिफरेंस आता है। अब देखें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है यानी जो वेलोसिटी है, सबसे पहले इस पर बात कर लें। हम ये देखते हैं कि स्पीड क्या होगी, इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मिसाल के तौर पर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो किस तरह से चेंज होता है। अब जो एओर्टा है इसमें लो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और उसके बाद ये कैपिलरीज तक इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और कैपिलरीज में जो पहुंचेंगे तो कैपिलरीज में मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि जब एओर्टा से कैपिलरीज की तरफ जाएंगे जिसके दरमियान में आर्टरीज आर्टरियोल्स आएंगे और कैपिलरीज मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और जब कैपिलरीज से आगे हम जाएंगे और पहुंचेंगे वेना कैवा की तरफ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें फिर वेलोसिटी जो है जब इधर को जाएंगे तो इंक्रीज करेंगे, सॉरी डिक्रीज करेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो डिक्रीज करेंगे। और इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये है कि इसी वजह से इसमें लोएस्ट वेलोसिटी होगी ब्लड के मूव करने, और फिर से क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो वेलोसिटी होगी ब्लड की वो फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो ये इसके अंदर याद रखना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करता है या वेलोसिटी जो ब्लड की है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो उसका केस डिफरेंट होता है, वो मैक्सिमम अगर हम देखें ब्लड प्रेशर वो आपको मिलेगा एओर्टा में, और उसके बाद दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद ये डिक्रीज ही करता रहेगा, दोबारा इंक्रीज नहीं होगा। इस तरह से अब हम इसका एक देख लेते हैं कि ये ऐसे होता है कि यहाँ आप ब्लड प्रेशर की डिफरेंट रीडिंग जो है वो ले लेते हैं, यहाँ 80 है, 100 mmHg, 120 है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, ये पहले एओर्टा होता है, एओर्टा में इसके अंदर जो ग्राफ है वो ये है कि आपको 80 100 ये डायस्टोल स्टोल मिलेंगे, उसके बाद जैसे ही एओर्टा से आर्टरीज आती हैं और फिर आर्टरियोल्स आते हैं और फिर कैपिलरीज आती हैं फिर विनियोल आते हैं, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एओर्टा है, ये आर्टरीज हैं यहाँ, और मैक्सिमम जो ड्रॉप होता है वो आर्टरियोल्स के अंदर होता है, आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स में मैक्सिमम ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में मैक्सिमम ड्रॉप आएगी, और लोएस्ट ब्लड प्रेशर जो होगा, लोएस्ट ब्लड प्रेशर जो होगा वो आपको मिलेगा वेना कैवा में। और यहाँ जब आप ब्लड प्रेशर लिखते हैं रीडिंग, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग, तो आप लिखते हैं 120/80 mmHg। अब 120 और 80 क्या होता है, हम जानते हैं कि 120 जो है ये आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल मिलेगा और 80 जो है ये वेंट्रिकुलर डायास्टोल। इसमें एट्रिया का कोई रोल नहीं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल की वजह से बनता है, क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल से निकल के ब्लड वेसल में जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। सो ये इसमें एक छोटा सा पार्ट था, इसको भी आपने जो है वो याद रखना है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो एक टॉपिक हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमने इससे पहले कहा था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है दैट इज एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, वेन्स में हम बात कर चुके हैं कि इनमें सेमीलुनर वेल्व्स होते हैं, वो वेल्व्स या स्फिंक्टर एक ही वर्ड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज द एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका जो काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन एक काम जो यहाँ हमने बड़े इंपॉर्टेंट है वो है रिटर्निंग एंड ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। ये रिटर्न करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लूइड को। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आपको अगर इसके कंपोनेंट में देखें तो इसमें आपको लिम्फ कैपिलरीज मिलती हैं, इसमें आपको लिम्फ वेसल्स मिलती हैं, इसमें आपको
लिम्फ मैसेस मिलते हैं, या इसको हम लिम्फोइड मैसेस भी कहते हैं। यहाँ हमें लिम्फ नोड्स मिलते हैं और लिम्फ जो कि फ्लूइड है वो यहाँ पे मिलते हैं। अभी मैं हम बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए लिम्फ जो है, पहले अगर हम लिम्फ को देखें तो लिम्फ एक फ्लूइड है, ये वही फ्लूइड है जो कि इंटरसेलुलर फ्लूइड से बनेगा। मसलन हमने देखा कि एक फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आया? ये ब्लड कैपिलरी से लीक किया, अभी हमने इससे पहले बात की। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है जब ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाता है। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम में यही फ्लूइड जाएगा तो लिम्फ बन जाएगा, और फिर ये लिम्फ जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जाएगा तो वो ब्लड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड और ब्लड, क्योंकि इसने रिटर्न उससे जाना है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ये आपने याद रखना है। अब तकरीबन एक दिन के अंदर अगर हम देखें कितना फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैपिलरी से लीक हो सकता है, तो एक दिन के अंदर तकरीबन 30 लीटर जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से लीक हो सकता है। यानी इतना ज्यादा जो कैपिलरीज में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो ब्लड कैपिलरीज से स्पेस के अंदर आता रहता है। अब इस 30 में से जो 27 लीटर होता है वो वापस ब्लड के अंदर जाता है, बैक इनटू ब्लड कैपिलरीज बाय ऑन, यानी अपने आप वो वापस जो है वो कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। लेकिन बाकी जो 3 लीटर फ्लूइड बचता है दैट रिटर्न टू ब्लड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, उसको लिम्फेटिक सिस्टम वापस भेजता है। तो ये दो चीजें आपने इसमें जो याद रखनी है। और मैंने आपको बताया कि जब वो ब्लड से निकला, अभी एक ब्लड था, जब वो ब्लड से निकला और इंटरसेलुलर स्पेस में चला गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया लिम्फ, और फिर वापस जब वो ब्लड के अंदर चला गया, तो वापस ब्लड के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने में इसका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ सवाल ये आ सकता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि ब्लड से निकलती हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड में आपने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी, कौन कौन सी चीजें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो आ जाती हैं। देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वाटर आ जाता है, फिर इसमें सॉल्ट्स आ जाते हैं, इसमें अमाइनो एसिड बाहर निकल आता है ब्लड से, ब्लड से ग्लूकोज है वो बाहर आ जाता है, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स भी यहाँ से बाहर निकल आती हैं, इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स भी वहां से बाहर निकल आते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो कि वहां से बाहर आ जाते हैं, और लेकिन रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाहर नहीं आते, तो इनको वापस है वो ब्लड के अंदर भेजना होता है। तो ये इसमें आपने जो है वो बात याद रखनी है। अब ब्लड में वापस जो है वो किस तरह से जाते हैं, अब देखिए यहाँ एक जो फेनोमिना हम देखेंगे वो ये होता है कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये तो होगी ब्लड कैपिलरी, यहाँ हो गया सेल, अब यहाँ ब्लड था, ब्लड से कुछ पार्ट यहाँ निकल गया जिसको आपने टिश्यू फ्लूइड कह दिया। अब इसी जगह पर आपको ऐसे लिम्फ कैपिलरीज भी मिलती हैं जो कि ब्लाइंड एंडेड होती हैं। दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज और ये ब्लाइंड एंडेड है, यानी एक तरफ से ये बंद है इस तरफ से। अब जो टिश्यू फ्लूइड है ज्यादातर फ्लूइड, यानी कि मैंने आपको बताया कि 27 लीटर जो होगा वो तो डायरेक्ट यहाँ से वापस चला जाए, लेकिन बाकी जो 3 लीटर बचेगा वो यहाँ से इधर आ जाएगा। ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फ कैपिलरीज में आ जाएगा, इनके इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है ज्यादा बड़ी इन कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से वो यहाँ आ जाता है। और जैसे वो यहाँ आ जाएगा, पहले उसको टिश्यू फ्लूइड कह रहे थे, पहले इसको ब्लड कह रहे थे, ब्लड से निकला टिश्यू फ्लूइड, अब जैसे वो यहाँ इसके अंदर चला जाएगा तो अब उसको लिम्फ कह देंगे। तो ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो है वो आ गया है। अब जैसे ही वो लिम्फ कैपिलरीज में जाते हैं तो लिम्फ कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं और ये जुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जुड़कर एक बड़ी लिम्फ वैसल बना लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएगी लिम्फ वैसल, इसका मतलब है ये लिम्फ वैसल क्या होती है, एक बड़ी वेन की तरह की होती है। अब उसके बाद जो लिम्फ वैसल होती हैं वो फर्दर एक डक्ट में कन्वर्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं थोरेसिस लिम्फ डक्ट, थोरेसिस लिम्फ डक्ट। अब ये जो फ्लूइड है इसके अंदर वो इस थोरेसिस लिम्फ डक्ट के अंदर आ जाता है। अब थोरेसिस लिम्फ डक्ट जो है ये कनेक्ट होती है आगे जाकर एक वेन के साथ, ये और वो वेन कौन सी है, दैट वेन इज द
सब क्लेवियन वे, या अगर इसको हम कंप्लीट लिख लें तो लेफ्ट सब क्लेवियन वे, तो जो भी इसके अंदर फ्लूड होता है वो इस सब क्लेवियन वेन के अंदर आ जाता है। और आप जानते हैं कि सब क्लेवियन वेन जो है वापस ये ब्लड सर्कुलेट सिस्टम में आ गया है, और वही पार्ट जो कि लिम्फ था वो फिर से ब्लड का हिस्सा बन चुका है। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पर लिम्फ उसको रिटर्न किया जाता है। तो देखें, ब्लड था, ब्लड से टिश्यू फ्लूड बना, फिर लिम्फ बना, और फिर से वो ब्लड बन गया, वो वापस जो वो चला गया। अब इसके साथ ही यहाँ पर जो लिम्फ वेसल होती हैं उनके अंदर हम देखते हैं लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है दे आर एक्चुअली द लिम्फॉइड वेसल्स, जो कि सॉरी जो लिम्फॉइड मैसेस हैं, ये लिम्फॉइड मैसेस, एक तो लिम्फॉइड मैसेस के अलावा भी बहुत सारे लिम्फॉइड वेसल्स होते हैं, इनको टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, थाइमस, स्प्लीन, ये सारे के सारे जो है वो लिम्फ मैसेस, इस तरह से लिम्फ नोड्स होते हैं ये भी। अब इसके अंदर जो है वो लिम्फ नोड का काम क्या होता है, एक तो ये लिम्फ को फिल्टर करता है, जैसे ही लिम्फ गुजर होता है तो कुछ जो है वो एफरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं वो उसके अंदर जाती हैं, और लिम्फ नोड्स जो है उसकी तरफ जाएंगी, और वहां लिम्फ को फिल्टर करके फिर डिफरेंट लिम्फ वेसल वहां से निकलेंगे, जिससे आप देखते हैं कि लिम्फ नोड्स जो है वो लिम्फ को फिल्टर करते हैं। लिम्फॉइड मैसेज होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से एक रोल ये भी होता है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस या मेच्योर होते हैं। जो आपने एक लिम्फोसाइट पढ़ा हुआ टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट होता है वो थाइमस, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस बिकॉज दीज लिम्फोसाइट्स आर मेच्योर इन द थाइमस ग्लैंड, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। तो फिल्ट्रेशन का, और आप जानते हैं कि इम्यूनिटी का जो रोल होता है ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन देखें तो आपने एक लिम्फ वेसल पढ़ी है लैक्टियल। लैक्टियल इज द लिम्फ वेसल इन इलियम विच इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर ये देख लिम्फ वेसल जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, दैट विल अब्सॉर्ब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये हम पढ़ के हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट, वहां पर इसको अब्सॉर्ब करती है और फिर वापस उसको ब्लड के अंदर जब डाल देती है। तो जब हम फैटी फूड लेते हैं तो हमारे लिम्फ का 1% फैट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैक्टियल जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। तो डिफेंस का काम भी है इसका, फैटी एसिड को अब्सॉर्ब करने का काम भी है, एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको वापस भी डालना इसका काम होता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है लिम्फेटिक सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि एक असेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में पूछ सकते हैं।